जेएनयू कैंपस में एंटी इंडिया स्लोगन के मुख्य आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। रिपोर्ट के मुताबिक उमर खालिद ने अफजल गुरु के सपोर्ट में एंटी इंडिया स्लोगन की बात कबूली है। गौर हो कि जेएनयू के दो स्टूडेंट्स उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने देर रात दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से मना करने के कुछ घंटे बाद सरेंडर किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया था। पिछले 12 फरवरी से लापता रहने के बाद दोनों फरवरी की रात को जेएनयू में वापस लौट आए थे। खालिद और भट्टाचार्य उन 5 स्टूडेंट्स में हैं जिन्होंने पार्लियामेंट अटैक के दोषी अफजल गुरु की 9 फरवरी को बरसी के मौके पर यूनिवर्सिटी प्रमाइसिस में ऑर्गेनाइज एक प्रोग्राम के दौरान एंटी इंडिया स्लोगन का इस्तेमाल किया था। कन्हैया कुमार, खालिद और भट्टाचार्य के अलावा राम नागा, आशुतोष कुमार और अनंत प्रकाश थे। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।